यार धूप निकलने वाला है, ऊपर में आ चुका है धूप, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है ऊपर पूरे पेड़ों की। देखो दो टेंट थे वहाँ पर, नीचे झपक गए वो। और इस साइड है नंदा देवी पिक, स्नोफॉल आने लग गया इधर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबने एवरीवन, कैसे आ लगाए हो, मस्त होंगे। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं देवभूमि की खूबसूरत बर्फीली वादियों से। दोस्तों अभी टाइम सुबह के 7 बज रहे और देखो यहाँ धूप निकलने वाला है, ऊपर में आ चुका है धूप। तो आज चारों ओर सफ़ेद बर्फ का चादर चढ़ा हुआ है। तो भाई जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच रही है सारे जगह सफ़ेद बर्फ़ का चादर दिखाई दे रहा है। उधर पहाड़ों पर देखो सारे जगह भाई, यहाँ नीचे देखो 1 फीट से ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ आज। तो ना जो कल हम लोग यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आए थे चल के, तो अभी देखो हमारे जो खोज होते हैं तो वे भी नहीं दिखाई दे रहे, पूरे ढक गए हैं। तो यहाँ पर लग रहा अभी सुबह के टाइम में कुत्ता चला, तो हल्का उसका खोज दिखाई दे रहा है। तो भाई अब यहाँ से नीचे जाने के लिए मेरे तो हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि कल ना गेम बूट मैंने नीचे रख दिया था, ऊपर नहीं लाया। तो मैं रात को चप्पल में ऊपर आया था, मैं देखो जूते पहन दिए मैंने अभी। तो ना दूसरे वाले गेम बूट थे वो नीचे ही है, ऐसे आराम आराम से खोज बनाना पड़ेंगे तभी होगा। ये देखो ऐसे करके नर तो बहुत मुश्किल है यहाँ से नीचे जाना, पूरे पैर पूरे ठंडे हो जाएंगे सुबह मिल गया। ये देखो भयंकर, कहीं भी मेरे खोज नहीं दिखाई दे रहे सीढ़ी में, जो कल रात को हम ऊपर आए थे। तो अभी तो बहुत आराम आराम से चलना पड़ेगा, रास्ता बनाते काट करके हल्का हल्का से मेरे को अपने पैर पर अब काटना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे पूरा वो पहले हम लोग चल रखे अभी ऊपर से ताज़ा बर्फ है, मेरी हालत ख़राब हो रही है ऐसे चलने में। तो अभी ना मेरे पैरों के अंदर ये देखो पूरा बर्फ़ चले गया जूतों के अंदर, अभी तो मेरे पैर पूरे बिल्कुल ठंडे हो गए। तो चलो जूते वूते चेंज कर लेते हैं, लाइट रहता तो थोड़ा पैर भी गर्म कर लेता, आज लाइट भी नहीं है यहाँ। अभी देखो अभी मैंने गेम बूट पहन लिए वाले, ये ठीक है बर्फ, ठीक है ना बर्फ़ के लिए, अंदर बर्फ नहीं चलती। अब जाना है यहाँ से नीचे, भाई इधर तो मेरे पूरे पैर ही डूब रहे, गेम बूट तक बर्फ आ रहा है पूरा। भाई बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है इधर का, बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है उधर पहाड़ों का। देखो हल्का सा धूप निकल चुका है पहाड़ की चोटियों पर। गाय जब ना टाइम 7:18 हो रहा है, यहाँ सूर्य उदय हो चुका है, यहाँ करेक्ट 7:18 पर धूप आ जा रहा। आज यहाँ मौसम की बात करूँ तो आसमान साफ दिखाई दे रहा है, हल्के से इस साइड से ये देखो बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का ना मौसम का पता नहीं चलता कब पूरे आसमान में बादल लग जाए, उधर हल्का दिखाई दे रहे और थोड़ी देर में हो सकता है कि पूरा आसमान पैक हो गया। तो आजकल ऐसे ही होता है यहाँ का मौसम। भाई इधर जंगलों में देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ऊपर पूरे पेड़ों के ऊपर बर्फ लगा हुआ है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है आज का ना, फरवरी में सबसे ज़्यादा बर्फ़ आज ही गिरा होगा। मैं जब भी बर्फ़ आई ना आधा फीट के आसपास ही आई यहाँ बर्फ़, तो आज 3 मार्च है तो आज 1 फीट आ रखा है यहाँ बर्फ़। कहूँ तो मैं इस साल का सबसे ज़्यादा बर्फ़ आज ही आया, इतना ज़्यादा बर्फ़ और कभी आया नहीं इस साल में। तो इस साल का सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है 3 मार्च को। यहाँ देखो सीढ़ियों में ऊपर तक ना मैंने रास्ता लगाते लगाते आया आराम आराम से, फिर मेरे पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे, उसके बाद मैं वैसे ही चलते हुए आया। तो मैंने सीधा फटाफट आ गया था मैं, उसके बाद अभी दूसरे जूते पहने उन्होंने, अभी थोड़ा ऊपर ही चलते उसके बाद आते नीचे ऊपर से तक ना मैं रास्ता लगाते हुए आ रखा आराम आराम से। तो भाई जी इस साइड देखो पूरा पूरा फील्ड बर्फ़ से ढका हुआ है, कहीं अभी तो कोई चल नहीं रखा। कल रात को 10 बजे हम इधर से चले थे तो हल्का सा वहाँ कम दिखाई दे रहा बर्फ़, नर तो पूरा फुल और का बर्फ़। तो गाइज ये है स्नो सिटी होटल, आप लोग को रूम चाहिए तो आप लोग बुकिंग कर सकते हो, 2500 से 1500 के बीच में आप लोग को यहाँ रूम मिल जाएंगे। गजब का व्यू दिखाई दे रहा है यार चारों ओर का, कुछ शानदार नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। हाँ यार आज ना जोशीमठ से जो ओली का रोड है तो वो पूरा का पूरा बंद होगा, क्योंकि इधर ही 1 फीट बर्फ़ आ रहा था, उधर रोड साइड ज़्यादा होगा अभी तो उधर बर्फ़ पिघला नहीं होगा। तो यहाँ क्या होता है कि ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाता है, उसके बाद जेसीबी आता है थोड़ा थोड़ा साफ़ करने उधर साइड से, तो जेसीबी भी 11-12 बजे तक साफ़ कर देगा ना। आज तो यहाँ से जोशीमठ जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि देखो कल ही यहाँ से ऊपर गाड़ी चढ़ी नहीं रहते, काफ़ी मुश्किल से चढ़ाया, पीछे धक्का मार मार के चढ़ाया। तो आज तो गाड़ी निकलने का कोई मतलब ही नहीं होता, कल तो 1/2 फीट बर्फ़ था यहाँ, आज 1 फीट बर्फ़ है तो बहुत मुश्किल होगा कोई गाड़ी निकालेगा। या तो यहाँ से चैन लगा के जाना पड़ेगा, जिप्सी वगैरह जाएंगे 4x4 की गाड़ी तो वही निकल पाएंगे। शाम तक तो ना यहाँ का रोड खुल ही जाएगा, क्योंकि उधर से जेसीबी आएगा साफ कर देगा रोड, तो उसके बाद निकल जाएंगे। गाइस ये देखो टीन में कितना सारा बर्फ़ दिखाई दे रहा है और पूरा का पूरा नीचे खिसकने लग गया। ये देखो यहाँ पर पूरा खाली हो गया टीन, तो ना अभी जैसी धूप लगा तो हल्का हल्का से नीचे के लिए सरकने लग गया है।
तो थोड़ी देर में तो ये पूरा का पूरा नीचे ही गिर जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ ना, कल का भी गिर रखा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा हो गया। और यहाँ पर देखो पूरा का पूरा तो बर्फ़ एक ही साथ, दोनों टीम का बर्फ़ टकर गया एक ही साथ। गाय जी, अभी टाइम सुबह के 10:40 हो चुके हैं और यहाँ आसमान में भी हल्के हल्के से फिर से बादल लगने लग गया। सुबह के टाइम और पूरा साफ था और हल्का सा इस साइड दिख रहा था बादल, अभी देखो पूरे आसमान में फिर से बादल लगने लग गए। अभी तो यहाँ बहुत अच्छा धूप हो रखा, ऐसे लग रहा है कि धूप पे बैठ के आराम से धूप सेको बोल के। यहाँ देखो अभी भी चारों ओर पूरा बर्फ़ का चादर चढ़ा हुआ है और ना उधर पेड़ों की बर्फ़ नीचे झड़ गया सुबह के टाइम, और उधर पेड़ों पर पूरा बर्फ़ जमा हुआ था। यहाँ नीचे साइड देखो तो टेंट थे वहाँ पर नीचे झपक गए, वो तो कल उनमें ज़्यादा बर्फ़ आई, वो टेंट ही नीचे झपक गए। अभी तक ना आसमान में हल्के हल्के से केवल बादल दिखाई दे रहे थे, अभी देखो चारों ओर पूरा कोहरा लगने लग गया। ये देखो इधर साइड भी पूरा कोहरा लग गया। 5 मिनट पहले इधर कोहरा नहीं था, केवल आसमान में हल्के से बादल दिखाई दे रहे थे। अभी देखो गाइस अभी टाइम 12 बज चुका है और ये सामने है स्नो सिटी होटल। तो चलो आप लोग को होटल के अंदर के रूम दिखाता हूँ आज मैं, आज से पहले मैंने रूम के अंदर कभी ऐसे दिखाई नहीं। तो चलो देखते हैं इस होटल के अंदर रूम में क्या क्या है यहाँ पे। चलो जी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रूम के अंदर और यहाँ पर ये डबल बेड दिया हुआ है और इधर साइड एक गद्दा अलग से है। और यहाँ से बाहर का व्यू देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, विंडो से बाहर का व्यू। तो आप लोग को वाशरूम दिखाता हूँ और यहाँ यहाँ पर गीजर है, गर्म पानी का सुविधा भी है और इधर साइड है टॉयलेट और इधर है। चलो यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ आप लोग को, बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई। चलो जी अभी रूम से बाहर का व्यू दिखाता हूँ आप लोग को, बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये देखिए। और इधर देखिए पहाड़ों का बहुत ही सुंदर व्यू है इधर से। अभी उधर सारे पहाड़ के चोटे पे बर्फ गिर रखा। और इस साइड है नंदा देवी पिक, आज कुछ गजब ही का व्यू दिखाई दे रहा है इधर से। गाइस आ जाए, यहाँ लाइट तो है नहीं, कल से आई नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए। यहाँ पर जनरेटर चालू है तो ये लेके आ रहा हूँ मैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने के लिए। यहाँ पर देखो कितने सारे मोबाइल लगा रखे चार्जिंग के लिए, तो यार आज ना लाइट नहीं है इसलिए बहुत सारे मोबाइल चार्जिंग के लिए यहीं पर लगा रखे, साइड लगा रखा, ये जनरेटर चल रहा है। यार यहाँ का व्यू, यहाँ से भी व्यू बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है चारों ओर का। यहाँ पर देखो चार चार्जर ना यहीं पर लगा रखे और एक सीधा वायर लगा रखा जो चार्जर पर कनेक्ट कर रखा, यही ऊपर लगा रखा और फिर दो चार्जर यहाँ ऊपर साइड से लगा रखे, 7-8 चार्जर 10। यहाँ पर ना पूरा 12-13 मोबाइल चार्ज हो रहे, तो देखो यहाँ पूरे इस पर मोबाइल टांग रखे और कुछ मोबाइल उधर जनरेटर के साइड लगा रखे। गाइस अभी टाइम 2:30 बजने वाला है और देखो आसमान पूरा पैक हो गया। सुबह के टाइम पर तो यहाँ मौसम ठीक था, अब यहाँ स्नोफॉल आने लग गया भाई। इधर का रास्ता बहुत ही ख़राब हो रखा, देखो हल्का से ना जहाँ से चले होंगे तो पूरा बर्फ़ पिघल गया और कीचड़ जैसा हो रखा वो, क्योंकि बीच ही बीच लगा रखा रास्ता। अभी तो हल्का हल्का सा हवा भी चलने लग गया और ठंडे लगना स्टार्ट हो गया भाई। यहाँ पर ज़्यादा कुछ पूरा पानी जमा हो गया। दोस्तों आप लोग का आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। नए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे।